hey guys zam is here today we're going to solve count derangements problem on coding ninja so basically jo problem hai, wo pehle hai ki a derangement is a permutation of n elements such that no elements appears in its original position for example an instance of derangement of 0 1 2 3 is 2 3 1 0 because 2 present at index 0 is not at initial position which is 2 and similarly for other elements of the sequence given a number n find the total number of derangement possible of a set of n elements. ओके okay, एंड जो नोट करने की बात है वो है कि द आंसर कुड बी वेरी लार्ज आउटपुट आंसर मॉड्यूलो टेन टू द पावर एन नाइन प्लस सेवन तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन uh, है एंड मैंने एक प्लेलिस्ट लिस्ट बनाया जिसमें ऑलरेडी मैं डायनमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ सो तो अगर तुम तो उसको फॉलो करोगे जो पैटर्न है सॉल्व करने की वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मॉडिफाई करना होता है कोडिंग में एंड कैसे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ना है उसके बाद उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझ में आ जाएगा तो तुम देख सकते हो मेरे पास ऐसे ही कह रहे था जीरो वन टू थ्री एंड इसके जो इंडेक्सिंग है तुम देख सकते हो जीरो पे जीरो है वन टू थ्री सो बेसिकली जो क्वेश्चन uh, है वो है कि ये जो जीरो एलिमेंट है इसको मैं जीरो नंबर इंडेक्स पे प्लेस नहीं कर सकता बट किसी भी प्लेस में मैं प्लेस कर सकता हूँ जैसे कि जीरो को मैं इस वन के जगह प्लेस कर सकता हूँ मैं जीरो को टू के जगह प्लेस कर सकता हूँ जीरो को थ्री के जगह प्लेस कर सकता हूँ किसी भी जगह पे मैं जीरो को प्लेस करवा सकता हूँ ठीक है तुम देख सकते हो मैंने ये जो जीरो एलिमेंट है इसको मैंने थ्री नंबर इंडेक्स पे मैंने प्लेस करवाया है एंड तुम देख सकते हो वन को टू वाली इंडेक्स पे एंड जो टू है टू को जीरो एंड थ्री है थ्री को वन वाली इंडेक्स पे तो क्या हुआ है ऐसे करोगे तो ऐसे एक डिरेंजमेंट वाला एरे तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें फाइंड करना है पॉसिबल डी वाला एरे सो so, चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो so, मेरा जो इनिशियल आइडिया होगा वो क्या होगा तुम देख सकते हो कि ऐसे एक एरे है जिसमें जीरो को मैंने इधर प्लेस किया है वन टू थ्री फोर फाइव एंड इधर मान लो आई है किसी भी एक एलिमेंट है जिसका वैल्यू है मान लो आई एंड इधर एन एलिमेंट तक मैं प्लेस कर सकता हूँ राइट ऐसा एक एन साइज एरे में मैं एन एलिमेंट प्लेस कर सकता हूँ जीरो को मैं जीरो को छोड़ के मतलब जीरो नंबर इंडेक्स को छोड़ के किसी भी जगह प्लेस कर सकता हूँ ऐसा ही कंडीशन है तो मान लो जीरो को अगर मैं इस वाली इंडेक्स को छोड़ के मैं इस वाली एरे के अंदर किसी भी जगह प्लेस कर दो तो जो अवेलेबल प्लेस है वो क्या होगा तो तुम देख सकते हो जो एरे के लेंथ था वो था एन राइट जो एरे के लेंथ था एन अगर मैं इस वाली प्लेस को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा मतलब वन प्लेस मैं घटा रहा हूँ राइट तो हमारे पास अवेलेबल प्लेस है ये वाला तो इसको मैं बोल सकता हूँ एन माइनस वन साइज सो जीरो को मैं एन माइनस वन एरे में किसी भी जगह प्लेस कर सकता हूँ सो जीरो के लिए हो जाएगा एन माइनस वन और मान लो अगर मुझे वन के जो प्लेसमेंट है वो मिल जाता है टू के प्लेसमेंट है वो मिल जाता है थ्री के प्लेसमेंट अगर मिल जाता है ऐसे करके सारे प्लेसमेंट मिल जाता है तो हो जाएगा एक डी सो बेसिकली हमें फाइंड करना है इसके साथ प्रॉब्लम इसके साथ प्रॉब्लम सो so, बोल सकते हो कि इस वाली एरे में जो एलिमेंट्स है इसके साथ प्रॉब्लम अगर मिल जाता है हमें तो हम क्या करेंगे एन माइनस वन इन टू सोल्यूशन ऑफ साफ प्रॉब्लम जो हमें साफ प्रॉब्लम मिल रहा है इसका वो अगर मिल जाता है तो हमें आंसर मिल जाएगा राइट सो so बेसिकली जो रिमेन एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर होगा वो हमें फाइंड करना है वो अगर मिल जाता है तो मुझे तो पता है जीरो एन माइनस वन एल में किसी भी जगह प्लेस हो जाएगा एन माइनस वन इन टू जो रिमेन एलिमेंट है उसके सॉल्यूशन मतलब उसके सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाता है तो हो जाएगा अगर मान लो मैं इस वाली आई को इधर ले आओ ठीक है एंड इस वाली जीरो को मैं इस पे ले आओ ठीक है मतलब मैं स्वैप कर दूँ तो क्या हो सकता है तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास जो रिमेन एलिमेंट होगा वो होगा एन माइनस टू क्योंकि मेरे पास था एन और मुझे मिल गया, गया जीरो को मैं आई पे स्वैप कर दूंगा और आई को जीरो पे स्वैप कर दूंगा तो रिमेन जो एलिमेंट है वो तो एन माइनस हो जाएगा ना अगर ऐसा होता है तो मैं बोल दूंगा सब प्रॉब्लम भी एन माइनस है जितना भी एलिमेंट बचेगा उसके सब प्रॉब्लम भी उतना होगा तो मैं बोल दूंगा कि इस एलिमेंट को मैं इसके साथ स्वैप कर दूं और इसके साथ इसको स्वैप कर दूं तो ऐसा अगर केस हो जाता है तो मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व कर दूंगा मतलब इसमें जो एलिमेंट है उसको सॉल्व करना है और इसमें जो एलिमेंट पर आया उसको सॉल्व करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सब प्रॉब्लम बचेगा वो बचेगा एन माइनस सब प्रॉब्लम बचा है वो एफ एन माइनस टू के लिए चलेगा राइट और एक केस हो सकता है मैं जीरो को जो जीरो इधर था उसको मैं इस पर शिफ्ट कर सकता हूं मतलब जो आयत पोजीशन पोजिशन पर जो एलिमेंट था उस पर शिफ्ट कर सकता हूं बट मान लो जो आई इसपे प्रेजेंट था वो जीरो पे ना जाके किसी और जगह बैठा है मतलब इधर भी बैठ सकता है इधर भी बैठ सकता है इधर भी बैठ सकता है किसी भी जगह बैठ सकता है तो मान लो मैं i को इधर प्लेस ना करके इधर भी प्लेस ना करके किसी और जगह प्लेस कर सकता हूँ मतलब इधर भी प्लेस कर सकता हूँ मतलब जीरो के जगह मैं प्लेस नहीं करूंगा पहले केस क्या था कि मैं स्वाइप कर रहा था मतलब जीरो को आई के पोजिशन पर और आई को जीरो के पोजिशन पर बस इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है आई जीरो के प्लेस पर ना आ जाए कि आई किसी और जगह प्लेस हो जाए तो इस केस में क्या होगा हमारे पास जो सब प्रॉब्लम होगा वो एन माइनस वन के लिए होगा क्योंकि जो रिमेन एलिमेंट है वो है वन टू थ्री फोर ऐसे करके एन तक सो और जो मैंने सॉल्व किया है वो वन एलिमेंट के लिए सो एन माइनस वन के लिए हमें सॉल्व करना है तो मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ना कि एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन के लिए तो हमें सॉल्व करना था और जो सब प्रॉब्लम मेरे को बना है वो है एन माइनस टू प्लस एफ एन माइनस वन जो टोटल सब प्रॉब्लम है वो है एफ एन माइनस टू प्लस एफ एन माइनस वन सो पहले एक केस बन सकता है स्वैप के लिए अगर स्वैप हो जाता है एलिमेंट तो एफ एन माइनस टू सॉल्व करना है एंड हमें सॉल्व करना है एफ एन माइनस वन मतलब जो जीरो है उसको अगर मैं आई इंडेक्स पे ले आऊं और बाकी एलिमेंट के लिए मैंने सॉल्व नहीं किया है तो एफ एन माइनस वन हो जाएगा तो ऐसे एक कंडीशन बन रहा है सो so, इसको थोड़ा प्रिकॉशन के बाद मॉडिफाई करके मेमोराइजेशन करेंगे उसके बाद टैबुलेशन पे लाएंगे उसके बाद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे सो so, हम रूल फॉलो करेंगे और हो जाएगा तो चलो करके देखते हैं मान लो किसी केस में ऐसा हो जाता है कि ऐसा एक एरे प्रेजेंट है अगर मान लो ऐसे टू प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉक्स में टू प्रेजेंट है एरे में तो नंबर ऑफ डी क्या हो सकता है तुम देख सकते हो मुझे बस टू को सॉल्व करना है बस टू ऐसा ही होगा इसका कोई डी नहीं होगा सो so, जो डी होगा वो होगा जीरो राइट आउटपुट जीरो होगा क्योंकि एक टू के लिए जो डी है वो है जीरो सो so, जो बेस केस होगा वो क्या हो जाएगा इफ एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन देन हमें रिटर्न करना है हमें रिटर्न करवाना है जीरो ओके okay. ऐसा एक कंडीशन हो सकता है और एक कंडीशन हो सकता है दूसरे के लिए मतलब मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पास ऐसा एक एलिमेंट था अगर मान लो दो एलिमेंट है तो क्या होगा वन एंड मान लो टू है तो क्या हो जाएगा तुम टू को ऐसे लाओगे एंड वन को ऐसे लाओगे तो तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन हो सकता है अगर दो एलिमेंट प्रेजेंट है तो तुम वन को इधर लाओगे एंड टू को इधर लाओगे या टू को इधर लाओगे या वन को इधर लाओगे अगर मान लो थ्री एंड फोर है तो इस दर डी क्या हो सकता है एक ही हो सकता है फोर एंड थ्री राइट सो इसके लिए तुम्हारे पास सॉल्यूशन वन आ रहा है राइट तो तुम क्या करोगे इसको वन कर दोगे सो बेसिकली इफ एन इक्वल टू इज इक्वल टू अगर टू हो जाता है मतलब टू एलिमेंट हो जाता है तो तुम क्या करोगे रिटर्न वन कर दोगे सही है ऐसा एक बेस कंडीशन हो सकता है अब मैंने बोला था कि जो आंसर होगा वो होगा एन माइनस वन इन टू जो फंक्शन ऑफ मतलब सॉल्यूशन ऑफ एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू मतलब सब प्रॉब्लम ऑफ एन माइनस वन एंड एन माइनस टू सो करके देखते हैं अगर मान लो आंसर होता है इंट आंसर इज इक्वल टू अगर मान लो एन माइनस वन है ठीक है हमें एक सॉल्व मिल गया है एन माइनस वन मतलब जो जीरो वाली इंडेक्स था उसके लिए अब मान लो इसके साथ हमें क्या करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये जो काउंट डी रेंजमेंट है इसको हम कॉल करेंगे और क्या बोल देंगे कि एन माइनस वन के लिए जो सब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो प्लस सॉल्व कर दो इस वाली पार्ट के लिए इस वाली पार्ट के लिए ठीक है एन माइनस टू के लिए अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो हमें आउटपुट आ जाएगा एक काम करो रिटर्न आंसर कर दो लेकिन इसमें एक कंडीशन है तुम देख पाओगे कि जो आंसर है वो लार्ज वैल्यू हो सकता है और जो आंसर होगा वो मॉड्यूल ऐसे करके सॉल्व करना है हमें तो मैं एक काम कर सकता हूँ इस पर जा सकता हूँ और जाने के बाद इधर जाके एक काम कर दो स्टैटिक लॉन्ग मॉट इज इक्वल टू ऐसा ले लेता हूँ ठीक है स्टैटिक मॉट इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ टेन टू जी वा नाइन प्लस सेवन नाइन प्लस सेवन सो इसका जो वैल्यू है वो तुम देख सकते हो वन जीरो जीरो है राइट right? तो इसको कॉपी कर लेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे और क्या करेंगे इस पर आएंगे और इसको हम इन से लॉन्ग कर देंगे ओके okay? इस पर बात हम मॉट को कॉपी कर लेंगे और हम क्या करेंगे परसेंटेज मॉट इसका भी परसेंटेज होगा इसका भी परसेंटेज होगा सो मॉट परसेंटेज मॉड्यूल ऑफ मॉट एंड इधर भी क्या होगा इसको भी मॉड्यूलो करना है मॉड्यूल ऑफ मॉट और हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लाएंगे राइट right? इसको ब्रैकेट में लाएंगे और इसके भी मॉट करना होगा राइट right? और इसके बाद तुम क्या इसके करोगे इसके भी मॉड करोगे इसके भी मॉड करोगे ओके इधर मॉड हुआ था ओके इधर एक ब्रैकेट लेंगे इसके मॉड हुआ है इसके मॉड हुआ है एक ब्रैकेट से हो जाएगा इसके मॉड हो जाएगा ओके सो so, बेसिकली तुम देख पाओगे कि ऐसा हो सकता है रान कोट करके देखते हैं अगर ओके इधर एक सेमी आ जाएगा सो so, इधर एक ब्रैकेट आ जाएगा ओके सो बेसिकली मैंने इधर बेस केस में प्रॉब्लम किया है इसको सॉल्यूशन वन ही आएगा ना अब रन कोड करके देखो ओके योर आउटपुट इधर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम देख सकते हैं एन माइनस वन किया है मैंने एन माइनस टू होना चाहिए था मैं बता रहा था कि एन माइनस वन एंड एन माइनस टू के लिए सॉल्व करेंगे सिली मिस्टेक है बस इसको कर लो आ जाएगा ऐसे करके बट मैं अगर इसको सबमिट कर देता हूँ तो तुम देख सकते हो टी एल ई आने वाला है राइट right? तो करके देखते हैं सो so, तुम देख सकते हो टी एल ई आ गया क्यों टी लिया है क्योंकि मैंने रिकर्सन से सॉल्व किया है तो चलो इसको मेमोइजेशन से सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया था कि मेमोइजेशन जो है उसके थ्री रूल्स होता है तो क्या होता है पहले हम क्या करते हैं पहले हम एक डी पी आर ए बनाते हैं राइट एक डी पी आर ए बनाते हैं जो हमारे रूल वन है एंड इसके बाद हम क्या करते हैं केस चेक करते हैं केस चेक करने के लिए वो हो जाता है हमारा रूल टू राइट एंड रूल थ्री क्या है रूल थ्री हो जाता है कि अगर ऐसा है तो तुम क्या करो जो सॉल्यूशन मिल रहा था उसको तुम इस डीपी पे स्टोर कर दो जो मैंने डीपी बनाया था उस पर तुम सॉल्यूशन जो मुझे सॉल्यूशन मिला था उसको तुम डी पी में स्टोर कर दो सो डी पी एन पे तुम सॉल्यूशन को स्टोर कर दो मतलब जो आंसर है उसको स्टोर कर दो ए हमारा है रूल थ्री और ए है रूल टू सो बेसिकली इसको हम मेमोइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं तो चलो करके देखते हैं एक डी बनाना होता है तो मैं क्या करूँगा इधर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा इसको रहने देते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं ठीक है तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा मान लो पब्लिक पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग एंड मेमो एंड इसमें हम पास करेंगे इंट एन एंड पास कर देंगे इंट डीपी ठीक है ऐसे करते हैं हम इसके बाद हम क्या करेंगे बेस केस चेक करेंगे तो मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को हटा दूंगा ठीक है इसको हटा दूंगा और हम इस पर फंक्शन तैयार करेंगे तो तुम देख सकते हो कि जो बेस केस था वो क्या था इफ एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन हो जाता है तो तुम क्या करोगे रिटर्न जीरो कर दोगे रिटर्न जीरो ओके और अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि दो एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक ही सोल्यूशन बन सकता है तो इफ़ एन इज इक्वल टू इज इक्वल टू टू सो तुम क्या बोलोगे रिटर्न जीरो कर दो रिटर्न सॉरी रिटर्न वन कर दो अब तुम क्या करोगे बेस केस चेक करोगे बेस केस क्या होगा इफ मान लो ऐसा हो जाता है डी पी एन अगर डी पी एन नॉट इज इक्वल टू सो पहले हम क्या करते हैं पहले एक एरे बनाते हैं राइट रूल वन एक एरे बनाना होता है तो वो बनाते हैं पहले long डी पी मान लो अगर ऐसा हो जाता है न्यू long एन प्लस वन से इनिशलाइज करेंगे और जो मुझे इनिशलाइज करना है वो माइनस वन से इनिशलाइज करना है या तुम ऐसे भी कर सकते हो जो लोएस्ट पॉसिबिलिटी है जो इंटीजर डॉट मीन वैल्यू है उससे भी तुम इनिशलाइज़ कर सकते हो मैं इधर माइनस वन से इनिशियलाइज करने वाला हो ठीक है फिल डी पी माइनस वन एंड तुम्हें याद रखना है अगर तुम ऐसे एरे बनाते हो और जो एरेज डॉट फील यूज़ करते हो तो इसके लिए तुम एक काम करो इम्पोर्ट कर लो ठीक है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटाइल डॉट स्टार ऐसे इम्पोर्ट कर लो नहीं तो जो कोडिंग मिल है उसमें ड्राइवर कोड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसलिए तुम इसको इम्पोर्ट कर लो ठीक है ओके अब इसमें तुम क्या करोगे रिटर्न जो मैंने फंक्शन बनाया था मीमो फंक्शन बनाया था इसको तुम कल कॉल कर दोगे ठीक है एन इसमें तुम क्या पास करोगे इसमें तुम एन पास कर दोगे और डी पास करोगे राइट ओके ये वाला काम तो हो गया राइट अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस पर जो बेस केस वाली पार्ट था वो चेक करेंगे वो क्या होगा डी अगर ऐसा हो जाता है एन नॉट इज इक्कल टू वन नॉट इज इक्कल टू माइनस वन ऐसे ही सारे केस में ऐसा होता है अगर माइनस वन हो जाता है तो हम क्या करेंगे डी रिटर्न कर देंगे रिटर्न डी पी एन राइट तो चलो ऐसा हो गया अब इसके बाद हम क्या करते हैं डी पी एन पे जो हमारे जो रिजल्ट है उसको स्टोर करता है तो मैं बोल सकता हूं रिटर्न डी पी डी पी एन पे तुम स्टोर कर दो जो हमारे आंसर था राइट right? सो so, हमारे आंसर क्या था एन माइनस वन इन टू हम क्या कर रहे थे एन माइनस वन एन माइनस वन एंड एन प्लस टू को कर रहे थे एन माइनस टू को प्लस कर रहे थे राइट right? ऐसा ही था ना हमारा जो सॉल्यूशन तो अब हम क्या करेंगे इसको कॉल कर देंगे जो हम कर रहे थे मेमो को कॉल कर देंगे इस पर मेमो को कॉल कर देंगे इधर और इधर निमो को कॉल कर देंगे ठीक है तो ऐसा हो गया अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे मॉड्यूलो ऐड करेंगे नहीं तो जो रिटर्न है वो देगा तो तुम क्या करोगे इसको कॉपी कर लोगे इधर तुम क्या करोगे परसेंटेज मॉड्यूल इसको कॉपी कर लो इसके बाद इधर भी परसेंटेज मॉड्यूलो हो जाएगा कॉपी इधर भी ऐसे हो जाएगा इधर भी ऐसे हो जाएगा और तुम क्या करोगे इसके आगे एक आ, इसके आगे एक ब्रेक ब्रैकेट तो है इसको ऐसे कर लोगे इसको मॉड्यूलो कर दोगे इसके बाद तुम क्या करोगे इसके बाद तुम इसके ऊपर पूरे जो होता है उसके ऊपर मॉड्यूलो करोगे राइट right? सो so, इसको कॉपी कर लोगे इसको कॉपी कर लोगे इसके ऊपर पेस्ट कर दोगे अब तुम क्या करोगे इस पर डी पास करोगे राइट क्योंकि तुम देख सकते हो हमारे कॉन्स्ट्रक्टर है डी सो तुम्हें डी पास करना है तो डी पास कर दो ठीक है अब राउंड कोट करके देखते हैं सो so, मैंने जो प्रॉब्लम किया था तुम देख सकते हो तो, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है लूसी कॉन्वर्सन राइट सो जो लूसी कॉन्वर्सन वाला प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे इधर तुम देख सकते हो तो, मैंने इन किया है इसको लॉन्ग कर दो ठीक है इसके बाद राउंड कोट करके देखो और इसमें मैंने सेमी क्रोन किया है राउंड कोट ओके तो आ गया है आउटपुट अब इसको सबमिट करके देखते हैं सो so, हो गया ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो इसके बाद चलो इसको टैबुलेशन के साथ सॉल्व करते हैं टैबुलेशन के रूल क्या है वो देखते हैं उसके बाद इसको टैबुलेशन में सॉल्व करेंगे जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो सेम रहेगा बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा अगर हम मिमोआइजेशन को टैबुलेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है टैबुलेशन मतलब हमें नीचे से सोचना होता है राइट अगर मान लो नीचे से हम सोचते हैं तो हम क्या करेंगे पहले वन एंड जीरो के लिए सॉल्व कर लेंगे मतलब पहले जो एलिमेंट होगा उसके लिए सॉल्व कर लेंगे फिर हम ऊपर जाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो टैबुलेशन वाला टेक्निक है मतलब अगर तुम मेमोराइजेशन से टैबुलेशन में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो पहले एक तो डी पी बना लेते हो राइट right? एक डी पी बना लो ऐसे डी पी एक बना लो ये हो जाएगा हमारे रूल नंबर वन ओके इसके बाद रूल नंबर टू क्या है रूल नंबर टू है कि तुम इस डी पी में तुम वन के सॉल्यूशन ऐड कर लो मतलब जो पहला बेस केस है उसके लिए चेक करो उसके सॉल्यूशन स्टोर कर लो रूल टू है राइट एंड डी सेकेंड में तुम क्या करो जो दूसरा केस बन रहा था ना दो एलिमेंट के लिए उसके आंसर स्टोर कर दो ठीक है और जो रिमेनिंग एलिमेंट बाकी है ठीक है उसके लिए हम सॉल्व करेंगे फॉल लूप लगा देंगे और जो टू के लिए सॉल्व किए थे थ्री से एन तक जाएंगे और उसके लिए सॉल्व करेंगे एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसके लिए हम डी पी आई पे हम स्टोर करते जाएंगे सॉल्यूशन राइट right? ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं तो चलो मेमोइजेशन को टैबुलेशन में कॉन्वर्ट करते हैं और कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं तो तुम देख सकते हो मेरे पास ऐसा एक था ठीक है इसके बाद जो ऐसा था इसको हम डी में कॉन्वर्ट कर देंगे तो पहला रूल था डी पी बनाएंगे तो इसको एक कार्ट कर लेते हैं इसको कट कर लेते हैं और इसको कट करने के बाद इधर पेस कर लेते हैं सही है ठीक है अब इसके जो नेम है उसको चेंज कर देते हैं टैप कर देते हैं इसको भी हम टैप कर देंगे एंड जो रूल्स है वो देख सकते हो कि हमें ए वाला एरे पास नहीं करना होता है जो टैबलेशन वाला टेक्निक है सो तो तुम इस पर रिमूव कर दोगे ओके Uh, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टर नहीं है तो तुम पैरामीटर से क्यों पास करोगे तो इसके बाद तुम क्या करोगे इधर जो ए नीजकॉल टू वन है इस पर तुम क्या करोगे डी पी अगर वन हो जाता है तो तुम क्या करो अगर वन हो जाता है तो स्टोर कर दो जीरो को राइट right? अगर मान लो डी पी अगर टू हो जाता है तो तुम स्टोर कर दो वन को ऐसे ही था ना दो एलिमेंट के लिए एक सॉल्यूशन मिल रहा था और वन एलिमेंट के लिए जीरो सॉल्यूशन मिल रहा था तो तुम ऐसे कर सकते हो अब तुम क्या करोगे इसको रिमूव कर देते हैं ठीक है इसके बाद इसको रख दो बस इसको चेंज करो इसको चेंज करते हुए तुम क्या करोगे फॉल्ट लुक चलाओगे तुम चेक करोगे रिमेनिंग जो थ्री एलिमेंट्स है थ्री से जो एन तक एलिमेंट्स है उसके लिए सो इंड आई इज इक्वल टू तो अगर मान लो थ्री हो जाता है आई देश दैन इजकअल टू एन तक जाएगा एंड इसके बाद तुम क्या करोगे आई प्लास प्लस कर दोगे ओके आई प्लास प्लस कर दोगे इसके बाद तुम डी पी आई पे जैसे हम कर रहे थे इधर ठीक है इसको कट कर लेते हैं इधर पेस्ट कर देंगे ठीक है इधर हम क्या कर लेते हैं डी पी आई पे स्टोर करेंगे क्योंकि आई के लिए चलाया है ना मैंने तो आई के लिए स्टोर करेंगे और इधर भी I हो आई, हो हो आई हो जाएगा आई हो जाएगा ए नहीं हो कि आई हो जाएगा आई हो जाएगा एंड डी पी को हटा देंगे क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टर अभी प्रेजेंट नहीं है तो डी पी हटा देंगे इधर भी डी पी हटा देंगे ओके और तुम्हें पता है कि हम कर रहे थे टैबुलेशन फंक्शन चेंज हो गया है तो इसको मेमो से टैप कर देंगे ठीक है टैबुलेशन फंक्शन हमने कॉल किया है सो तो इसको टैप कर देंगे सॉरी इसको टैप नहीं करेंगे बेसिकली इसको डीपी करेंगे ठीक है टैबुलेशन नहीं करता है डी पी करता है इसको डीपी कर देंगे और इसको भी डीपी कर देंगे तो चलो राउंड कोट करके देखते हैं सो so, मैंने जो गलती किया इधर रिटर्न नहीं किया है रिटर्न डी पी हमें डी को भी रिटर्न करना है राइट सो रिटर्न डी कर दो तो। इसके बाद तुम चला के देखो ओके okay, तो मैंने इधर भी एक गलती किया है इधर तुम ऐसा कर दो ओके एरी को कॉल कर रहे हो ना सो so, ऐसे कर दो तो। अब रन कोड करके देखो आ गया है अब इसको सबमिट करके देखते हैं तुम ऐसे करके टैबुलेशन में इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिव्यू थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो अब इसको क्या मैं स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ तो चलो देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे स्पेस को सो so, तुम्हें पता है कि जो डी है ठीक है वो डिपेंड किसके ऊपर है डीपीआई डिपेंड्स है आई माइनस टू एंड आई माइनस वन के ऊपर राइट ये तो हमें पता है तो मैं बोल सकता हूँ जो आई माइनस टू है इसको प्रेप टू बना दो अगर इसको प्रेप टू बना दे तो और इसको प्रेप वन बना देते दो तो ऐसे सॉल्व हो सकता है अब तुम बोलोगे कि भैया प्रेप वन एंड प्रेप टू क्या है प्रेप वन एंड प्रेप टू मान लो अगर जीरो वन टू थ्री ऐसे करके तक एन तक एलिमेंट था राइट और मैं अगर इसको इसके लिए सॉल्व कर दूँ मतलब जो थ्री है इसको अगर मैं बोल दो कि प्रेप वन है ठीक है और अगर इसको मान लो प्रेप टू है ठीक है इसको अगर मान लो प्रेप टू है और इसको मान लो प्रेप वन है तो ए डिपेंड है किसके ऊपर डी पी आई के ऊपर राइट डी पी आई के ऊपर अब तुम बोलोगे कि ऐसे है तो अगर मैं इसको प्लास कर दूँ मतलब इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन अगर मैं प्लास कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा डी पी आई आ जाएगा अगर सेकेंड टाइम क्या होगा ए हो जाएगा प्रेप टू राइट right? इसके बाद अगर फोर है तो ए हो जाएगा प्रेप वन राइट एंड जो हो के वो हो जाएगा डी पी आई तो ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो तो बेसिकली स्वैप होगा सो so, हम क्या करेंगे प्रेप टू इज इक्वल टू प्रेप वन एंड प्रेप वन इज़ टू आंसर कर देंगे ऐसे करेंगे अगर ऐसे करते हो तो सॉल्व हो जाएगा तो चलो करके देखते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज़ सो ऐसा था तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे सो so, हम क्या करेंगे इसको नहीं चाहिए हमें ठीक है इसको नहीं चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा एरे तो नहीं लगेगा सो लॉन्ग लॉन्ग प्रेप वन इज टू हम जीरो स्टोर कर देंगे हमें पता है आंसर लॉन्ग रेप टू इज़ इक्वल टू हम स्टोर कर देंगे वन को राइट right? वन को स्टोर कर देंगे ओके okay. इसके बाद हम क्या करेंगे जो फॉल लूप था ऐसे ही होगा ठीक है बस हम इस पर एक काम करेंगे जो करेंट एलिमेंट है डी पी आई नहीं लगेगा इसको हम करेंट बोल देंगे करेंट ओके लॉन्ग करेंट लॉन्ग करेंट पे हम क्या करेंगे आई माइनस वन मड्यूलॉब इस पर हम क्या करेंगे प्रेप कर देंगे इसको हम प्रेप कर देंगे इस डी पी आई को हटाएंगे और इसको हम बोल देंगे प्रेप वन एंड जो डी पी टू था इसको हम बोल देंगे प्रेप टू राइट right? ऐसे ही कर रहे थे ना सो बेसिकली डी पी को प्रेप टू डी पी आई ऐसे आई माइनस वन ऐसे हो गया अब इसको हम स्वैप कर देंगे ठीक है नेक्स्ट वाली एलिमेंट के लिए प्रेप वन को बना देंगे प्रेप टू प्रेप टू एंड प्रेप टू को बना देंगे एलिमेंट राइट right? ऐसे करेंगे और हम रिटर्न कर देंगे प्रेप टू को प्रेप टू सो so, अब इसके बाद इसको हम ऐसे बोल सकते हैं स्पेस बोल सकते हैं इसको स्पेस इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता है स्पेस और इसको भी हम स्पेस बोल देंगे स्पेस ओके अब इसको सॉल्व करके देखते हैं होगा या नहीं होगा ओके तो मैंने क्या किया है इस पर सेमिकुलर नहीं दिया है रन कोड अब देखो हो गया है सबमिट कर करके देखते हैं आ गया है रिजल्ट तो तुम देख सकते हो हमने तीन तरीके से सॉल्व कर लिया है राइट और इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो देखते हैं सो so, पहले जो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था जो रिकर्सन वाली सॉल्यूशन उस पर था वो टू टू दी पावर एन क्योंकि बहुत सारा सब प्रॉब्लम हो रहा था और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम देख सकते हो एक एरे लेकर हम चल रहे थे तो मान लो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वो एन हो जाएगा और सेकेंड जब मेमोराइजेशन मैंने किया था उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया था ओ एन प्लस ओ एन क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लिया था और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो था ओ एन राइट और जो टैबुलेशन वाला टेक्निक था उस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया था ओ एन बट मैंने थोड़ा स्पेस को ऑप्टिमाइज किया था तो उसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो गया था और जो मैंने आखिर में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किया था उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ वन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ओ एन सो बेसिकली मैंने चार अप्रोचेस बता दिया है राइट right? सो so, ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लीज़ को भी फॉलो कर सकते हो तो चलो बाय